हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का पूरा आपकी सक्सेस में। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि आज मैं नया टॉपिक कुछ अलग बताने वाला हूँ और ये है पृथ्वी की गतियाँ। मैं इसे इसलिए चूज किया हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, इससे 5 से 6 क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इससे बनते हैं। इस वजह से मैं इसे इंपॉर्टेंट समझा बताना ताकि आप लोग मतलब इसे समझ सकें और कभी भी गलती ना हो जाए एग्जाम्स में। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो मतलब आप मतलब सही आंसर फाइंड कर पाओ। देखिए, और एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि आप लोग जितने भी लोग कमेंट कर रहे हो मेरे वीडियो पे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है वाकई। आप जब कमेंट करके मुझे बताते हो कि सर इतना सही हो रहा है, इतना मतलब इतना ही मैं कर पाया, तो मुझे मतलब कि मैं वैसे भी तो हर एक लोगों का कमेंट का मतलब रिप्लाई ज़रूर दे रहा हूँ और लाइक भी कर रहा हूँ आप लोगों का कमेंट भी। बट इतने कमेंट आ रहे हैं इस वजह से सॉरी मैं नहीं कर पा रहा हूँ सभी लोगों का कमेंट को मतलब कि रिप्लाई एक्सीलेंट या तो बेस्ट या तो फिर एवरेज। तो इसके लिए सॉरी प्लीज़। लेकिन आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि हाँ यार, मेरी वीडियो लोगों को मतलब पसंद आ रही है। तो चलिए, अभी हम लोग फिलहाल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ पृथ्वी की गतियाँ, जिसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट बात पे आता हूँ कि देखिए, पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, ठीक है। पृथ्वी दो गति करती है, पहला घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण। तो घूर्णन पहले क्या है, जिसे इंग्लिश में रोटेशन बोला जाता है, और परिक्रमण को बोला जाता है रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे यानी कि एक्सिस पे घूमना घूर्णन कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी तो यहाँ पे जो घूम रही है अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, कोई भी एग्जाम हो या तो फिर रेलवे या तो फिर SSC, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो यहाँ पे जो पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पे उसे बोला जाता है घूर्णन यानी कि रोटेशन। और यह एक बार में मतलब कंप्लीट, एक बार में जो घूम लेती है अपने अक्ष पे, तो वो घूम लेती है 24 घंटा में यानी कि एक दिन में, यानी एक दिन में घूम लेने की वजह से इसे दैनिक गति भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो 24 घंटे रही बात, ये तो आपको पता ही था पहले से कि एक मतलब कि एक दिन है, सो एक दिन में पृथ्वी अपने अक्ष पे यानी अपने एक्सिस पे घूम जाती है। लेकिन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि दिन और रात क्यों होते हैं, या फिर दिन और रात होने की वजह क्या है, या दिन और रात कैसे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि दिन और जो रात होते हैं वो होते हैं घूर्णन गति के कारण। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है, ठीक है। यहाँ तक कभी आपको समझ में आ गया होगा, जो जो क्वेश्चन बनता है वो मैं अभी यहाँ तक मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है, बता दिया हूँ। दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है, चलिए। और एक परिक्रमा है सो 24 घंटा में पृथ्वी इसको कंप्लीट कर लेती है, और अपने अक्ष पे घूमने की जो प्रक्रिया, इसे घूर्णन गति बोला जाता है, ओके। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे है सो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये डिग्री यहाँ पे 23.5 डिग्री, ये है सो पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पे। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ऐसे झुकी हुई है, ऐसे मतलब कि ऐसे डायरेक्ट खड़ी नहीं है, ऐसे झुकी हुई है, ओके। तो अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं परिक्रमण क्या है। घूर्णन तो आप समझ गए होंगे। देखिए, परिक्रमण जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसे बता दूंगा, आप उसे याद कर लेना, और बेसिक सी जो चीज़ें हैं उसे भी आप समझ लीजिएगा। परिक्रमण क्या है, जिसे रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो ये है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य है, पृथ्वी है सो ऐसे मतलब घूम रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो जो मतलब ऐसे घूम रही है तो इसी को है सो परिक्रमण बोला जाता है, रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और ये कौन सी मतलब पथ पे कर रही है, इस पथ को बोला जाता है दीर्घवृत्ताकार पथ। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये है सो पृथ्वी है सो यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर है सो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो दीर्घवृत्ताकार आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये चीज़ अब यहाँ पे आपको याद रखने वाली है कि मतलब कि एक चक्र जो मतलब एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेती है, तो ये लेती है 365 दिन, 365 दिन और 6 घंटे।
एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन हम लोग मतलब कि हम लोग जो मानते आ रहे हैं कि एक वर्ष बराबर होता है 365 दिन, एक वर्ष में कितने दिन, तो 365 दिन। तो हम लोग देखिए, ये 6 6 घंटा, इसे हम लोग तो एलिमिनेट यानी कि छोड़ नहीं सकते इसे। तो 6 घंटे को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक चौथे साल, अगर आप इसे मतलब प्रत्येक चौथे साल हम लोग है सो इसे मतलब कि 6 चौक 24, ठीक है, 24 घंटा यानी कि एक दिन को हम लोग लीप ईयर के रूप में मतलब कि मानते आ रहे हैं, यानी कि 165 दिन को हम लोग इसमें एक दिन और जोड़ देते हैं, यानी कि 166 दिन इसे, सॉरी 366 दिन इसे कर देते हैं। और इसी को हम लोग है सो लीप ईयर भी बोलते हैं, यानी कि देखिए आप 6 घंटा गुने 4 यानी प्रत्येक चौथे साल तो 24 घंटा हो जाता है। 24 घंटा को हम लोग एक दिन और ऐड कर देते हैं, और वो दिन किस में ऐड करते हैं, तो वो हम लोग ऐड करते हैं फरवरी का जो 28, देखिए फरवरी है सो 28 महीने का होता है, उसमें अगर हम लोग एक दिन ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 29 दिन का। तो यही मतलब कि एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम लोग 365 दिन में एक दिन और ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाता है 366 दिन प्रत्येक चौथे साल। इसी को हम लोग लीप ईयर भी बोलते हैं। यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मतलब कि यहाँ पे मौसम में मतलब कि परिवर्तन क्यों होता है, ठीक है, मौसम में चेंजिंग कैसे होता है, कैसे बरसात, ये गर्मी, ठंडा, ये सब कैसे होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो परिक्रमा, जो पृथ्वी कर रही है सूर्य के चारों ओर, इस वजह से है सो अनेक जगह मतलब इसकी स्थिति होती है, इस वजह से है सो मतलब कि ऋतु परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो आपको याद रख लेना है कि परिक्रमण गति के कारण, यानी पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण है सो ऋतु परिवर्तन होती है, क्योंकि देखिए पृथ्वी की अनेक जगह स्थितियां होती है, इस वजह से ऋतु परिवर्तन होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे जो हम लोगों को मतलब कि देखना है। हाँ, एक चीज़ और इसमें साथ में ऐड करना था फ्रेंड्स कि ऋतु परिवर्तन जो होती है वो क्यों होती है, तो परिक्रमण गति, और साथ में याद रखना है कि पृथ्वी की झुकाव के कारण, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से भी ऋतु परिवर्तन होती है। तो दो चीज़ इसमें आपको याद रखना है कि मतलब दीर्घ सॉरी ऋतु परिवर्तन होती है परिक्रमण गति के कारण, तथा मतलब पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण ऋतु परिवर्तन मौसम में चेंजिंग होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे ये पढ़ना फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप इसे समझ जाते हो तो आप मतलब कि 2 से 4 क्वेश्चन के मास्टर बन जाते हो। जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन इसे पूछे जाए तो आप मतलब कि कभी भी गलत नहीं करोगे। तो देखिए इसमें है क्या पढ़ना है, उपसौर। उपसौर आखिर क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, पहले तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये मेरा डायग्राम है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं मैं सूर्य, यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे सूर्य है ये, ओके, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार, इसे दीर्घवृत्ताकार बोला जाता है, तो दीर्घवृत्ताकार में घूम रही है, ये रिवॉल्व कर रही है, परिक्रमा कर रही है। तो यहाँ पे जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, आप देख पा रहे होंगे दोनों फिगर में पास सबसे अधिक कौन है, तो ये है, यहाँ पे पृथ्वी यानी कि सूर्य के अत्यधिक पास है, तो उसे उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो मतलब कि सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो है 14,97,95,900 किलोमीटर। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 14,97,95,900 किलोमीटर। इसे यानी कि आप लिख सकते हो 14,98 करोड़ किलोमीटर, ये आप लिख सकते हो शॉर्ट में। तो देखिए औसत तो यानी एवरेज 14,98 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे उपसौर है कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे अत्यधिक यानी कि मतलब अत्यधिक नज़दीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है उपसौर, ठीक है, इसे बोला जाता है उपसौर, उपसौर। वीडियो थोड़ा सा स्लो हो सकती है, इसके लिए सॉरी। और ऐसी स्थिति कब होती है, तो ऐसी स्थिति होती है 3 जनवरी को। और यहाँ पे जो मतलब कि इसकी जो दूरी हो जाती है सूर्य, मतलब सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है, यहाँ पे हो जाती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14, यहाँ पे आप समझ लेंगे 14.7 करोड़ किलोमीटर, ओके, तो इसे उपसौर बोला जाता है। और ये ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है।
अब हम लोग बात करते हैं अपसौर के बारे में, यानी कि अपहेलियन। अपहेलियन तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अधिकतम दूरी का बात किया जा रहा है, यानी सबसे अधिक दूरी पे, ठीक है। तो अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर बोलते हैं। तो इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है अपसौर बोला जाता है। और ऐसी स्थिति कब होती है, तो ऐसी स्थिति होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, ठीक है। और यहाँ पे जो दूरी हो जाती है सूर्य से, जो पृथ्वी की दूरी होती है वो हो जाती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, 21 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी हो जाती है सूर्य से पृथ्वी की। अब देखिए यहाँ पे जो मेन बात आती है कि याद कैसे रखना है, बाकी तो समझ में चलो आ गई बात, लेकिन याद कैसे रखना है, तो याद रखने का जो ट्रिक है वो ये है कि उपसौर, यानी कि उपसौर मीन्स जब पृथ्वी सूर्य से के मतलब अधिक नज़दीक होती है। उप मीन्स क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे नगर, उपनगर, उपनगर मीन्स क्या होता है, नगर से छोटा होता है उपनगर। तो उप मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए यानी कि सूर्य के नज़दीक हो जाती है, छोटा मतलब नज़दीक हो जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे अप, अप मीन्स क्या होता है, ऊपर, अप डाउन आप जरूर पढ़े होंगे, डाउन मीन्स नीचे होता है, तो यहाँ डाउन से हमको नहीं लेना देना है, अप से लेना देना है। तो अप मीन्स क्या होता है, ऊपर, तो अपसौर। तो अपसौर में क्या होता है, सबसे अधिकतम दूरी होती है, सबसे अपर यानी कि सबसे ऊंचे मतलब कि पूरा मतलब कि अधिकतम मैक्सिमम दूरी पे मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच है सो दूरी है, सो सबसे अधिकतम होती है, बहुत दूर हो जाती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो उसे क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं, या तो अपहेलियन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, अपसौर को पिरहेलियन बोलते हैं। तो ये इंग्लिश वाला भी वर्ड आपको याद करना है, क्योंकि ऑप्शन में कभी ये भी दे दिए जाते हैं, तो अगर ये आपको नहीं याद रहेंगे तो आप उपसौर और अपसौर ढूंढते रह जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद हो गया। अब देखिए, अब बात यहाँ पे आती है डेट को याद करने का, कि डेट को कैसे याद रखें। तो आप देखिए 3 जनवरी पहले 3 बड़ा है या तो फिर 4 बड़ा है, तो पहले बड़ा है, सॉरी 3 छोटा है या 4 छोटा है, तो पहले तो बात है कि सिंपल सी है कि 3 छोटा है, ठीक है। तो 3 छोटा है यानी कि वो नज़दीक है, छोटा मतलब नज़दीक है, उपसौर उप मीन्स भी क्या था, छोटा था यानी नज़दीक है। तो 3 जनवरी यानी नज़दीक होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, यानी कि बहुत ही कम होती है, बहुत ही मतलब अत्यधिक पास होती है। और 4 देखिए 4 है सो बड़ा है 3 से, तो इसमें क्या हो जाता है, यानी कि सबसे अधिकतम दूरी पे है सो पृथ्वी और तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो ये चीज़ आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन जैसे रहे कि उपसौर किसे कहते हैं, तो आपको बस सिंपल सा जवाब देना है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी यानी कि बहुत ही मतलब सूर्य और पृथ्वी है सो अत्यधिक पास होती है, नज़दीक होती है, तो उसे उपसौर बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपसौर किसे कहते हैं, तो अपसौर आपको बोलना है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही अधिक हो जाती है, सबसे हाईएस्ट हो जाती है, तो उसे अपसौर बोलते हैं। अप मीन्स यानी ऊपर, यानी अधिक हो जाती है, और यहाँ पे उपसौर मीन्स उप मीन्स छोटा, तो यानी कि सबसे नज़दीक हो जाती है। डेट भी आपको पूछा जा सकता है और पूछे गए हैं एग्जाम में कि उपसौर की स्थिति कब होती है, उपसौर कब होता है, तो उपसौर 3 जनवरी को होता है, क्योंकि 3 छोटा है, 3 जनवरी को होता है। और अपसौर कब होता है, तो अपसौर होता है 4 जुलाई को, क्योंकि 4 है सो 3 से बड़ा है, तो 4 जुलाई यानी सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है सूर्य मतलब डिस्टेंस होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच। तो बस ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक चीज़ इसमें और याद करने वाली जो है मतलब कुछ और मतलब कि डेट वो है, बस 1 2 3 4 डेट आपको और याद रखने हैं, उधर इधर 4 हो गए और उधर 2 6, यानी टोटल 6 डेट आपको याद रखने हैं, बाकी फिर काम हो जाएगा। देखिए विषुव क्या होता है, जब पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होती है, ऐसी स्थिति होती है तो उसे क्या बोला जाता है, विषुव बोला जाता है। और ऐसी स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को ही होती है। तो क्वेश्चन ऐसे रहता है कि दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। और तो अब इसे हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये सूर्य है, यहाँ पे मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, सॉरी ये कर्क रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, यहाँ पे हो गया मकर रेखा। तो सूर्य की किरणें जब लंबवत मकर रेखा पर पड़ती है, तो है सो दिन और रात है सो बराबर होते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध पे और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए यहाँ से इधर जो इधर वाला भाग है, अगर इसका मतलब इधर इधर वाला जो भाग है उत्तरी गोलार्ध है, और इसके जो नीचे वाला भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो यहाँ पे जब मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसी दो स्थितियाँ होती है पृथ्वी पर कि ऐसो दिन और रात बराबर होते हैं, दो मतलब कि दो दिन मतलब है सो पृथ्वी और
पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जब मतलब कि सूर्य की रोशनी है सो किरण है सो मतलब कि विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, तो मतलब कि दिन और रात बराबर होते हैं, और ऐसी स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। अब हम लोग समझते हैं कि कर्क संक्रांति किसे बोला जाता है। तो देखिए कर्क संक्रांति किसे बोला जाता है, इसे मैं मिटाता हूँ। हाँ, कर्क संक्रांति ये मकर रेखा था। देखिए कर्क संक्रांति बोला जाता है फ्रेंड्स कि जब सूर्य की किरणें यहाँ पे यानी कि कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है। देखिए यहाँ पे मैं समझाने के लिए सिर्फ इसको तिरछा कर रहा हूँ, आप ऐसे मत समझिएगा कि सूर्य की लाइट कैसे तिरछा होगी, क्योंकि फ्रेंड्स पृथ्वी झुकी हुई है। ये मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, मतलब ऐसे पूरा इसका डायग्राम बना के, जस्ट आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए फिलहाल इसको। तो जब सूर्य की रोशनी है सो यानी किरण है सो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती है, कर्क रेखा पे पड़ती है, तो ऐसी स्थिति को कर्क संक्रांति बोलते हैं। और कर्क संक्रांति में क्या होता है और यह कब होती है, तो यह होती है 21 जून को। ये चीज़ भी आपको याद रखना है 21 जून को। यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि बात करें यहाँ से इधर की बात कर रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे दिन जो है, यहाँ पे मैं लिखा डे, ओके डे मीन्स आप दिन समझ लीजिएगा, डे है यानी कि दिन जो है वो ऐसे लंबी होती है, प्लस का मतलब लंबी होती है, और रात यहाँ पे रात का मैं लिख देता हूँ नाइट, ओके नाइट यहाँ पे छोटी होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन कैसा होता है, तो यहाँ पे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से यानी उत्तर में बात कर रहे हैं, तो दिन कैसा होता है, लंबी होती है, रात कैसी होती है, छोटी होती है। और जस्ट इसी दिन को यानी 21 जून को ही जस्ट इसके विपरीत मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन है सो छोटा हो जाता है और रात लंबी हो जाती है, मतलब कि अपोजिट हो जाता है कर्क रेखा पे। आपको बस एक केवल याद रखना है यानी कि तो सेकेंड अपने आप है सो बस उसको जस्ट अपोजिट कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। अब हम लोग बात करते हैं कि मकर संक्रांति क्या होता है। तो देखिए मकर संक्रांति क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि मकर संक्रांति में फ्रेंड्स होता ये है कि सूर्य की जो किरणें हैं, मकर मीन्स क्या होता है मकर रेखा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं, डायरेक्ट है सो यहाँ पे पड़ती है, जिस वजह से, और यह कब पड़ती है तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को होता क्या है कि 22 दिसंबर को फ्रेंड्स यहाँ पे लंबवत पड़ने की वजह से दिन जो है वो बड़े हो जाते हैं, डे मीन्स मतलब दिन प्लस मीन्स लंबा, तो यहाँ पे 22 दिसंबर को है जो दिन बड़े हो जाते हैं और नाइट जो है वो छोटी हो जाती है। और जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसी मतलब की तारीख को, इसी डेट को यानी कि 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से यानी कि इधर की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में दिन है सो छोटा हो जाता है यानी माइनस का मतलब छोटा हो जाता है, और रात है यानी नाइट है वो है सो लंबी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको डायग्राम से आपको याद रखना है, बाकी सब फिर काम हो जाएगा। बस इतना आपको मतलब 6 डेट याद रखने हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप क्लास मतलब कि 6 का NCERT बुक है, आप उसे चैप्टर नंबर 3 पढ़िए पृथ्वी की गतियाँ, इससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था मतलब कि अभी का वीडियो, मैं मतलब पूरी कोशिश किया हूँ समझाने का कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप देख लिए, और इसके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए वीडियो लाऊंगा और प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। तो फिलहाल अभी मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन रहे कि 21 जून को नहीं, क्वेश्चन ऐसे रहे कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा कब होता है, तो कब होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे डायरेक्ट लंबवत यानी कि रोशनी पड़ती है, किरण पड़ती है, इस वजह से दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। अगर क्वेश्चन रहे कि दक्षिणी गोलार्ध में रात छोटी कब होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध का बात किया जा रहा है रात छोटी का, ठीक है, तो ये कब होता है 22 दिसंबर को है सो दक्षिणी गोलार्ध में रात छोटी होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है फ्रेंड्स, और अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो फिर से इसे आप वीडियो पॉज करके फिर से देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अभी के लिए तो बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, तब तक आप बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।